हैं एनआईए की जोधपुर में कार्रवाई की सूचना। तड़के 4 बजे से एनआईए की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाके में एनआईए की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आज सुबह 5 बजे कार्रवाई के लिए पुलिस जाप्ता मांगा, लेकिन फिर बाद में अचानक से जाप्ता लेने को ड्रॉप किया। पुलिस जाप्ते को एनआईए की कार्रवाई में नहीं लिया गया है का पहले भी जोधपुर ग्रामीण और शहरी इलाके में दबिश दे चुकी है एनआईए की टीम। अधिकृत रूप से फिलहाल किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया जा रहा। हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, एनआईए की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है और सूचना मिल रही थी कि पेपर लीक सरगनाओं के ठिकानों पर कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन एनआईए जो सर्च कर रही है वो किससे जुड़ा बताया जा रहा है? राजीव जी, आप स्पष्ट कीजिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति है तो। देखिए, सबको पता है कि कल DAA का जो कानून जो है उसको अधिसूचना जारी की गई है। एक तो वो विषय हो सकता है, दूसरा पेपर लीक विषय हो सकता है, तीसरा यहाँ जो लॉरेंस बिश्नोई का जो एक पूरे पश्चिमी राजस्थान का जो खौफ भरा हुआ है उसका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन किस वजह से आना ये पता नहीं। लेकिन 4 बजे सुबह टीम जोधपुर पहुंचती है, जोधपुर की पुलिस से जाप्ता मांगती है, 5 बजे जाप्ता दिया जाता है और सब 5 बजे जाप्ता लेने से मना कर देते हैं। मना क्यों किया है, इस जाप्ते के साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते थे, ये अलग सवाल है। लेकिन कार्रवाई जोधपुर में या आसपास के इलाकों में चल रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इस वक्त अगर बात करें तो जोधपुर के ग्रामीण इलाके में पिपाड़ की बात करें या जो आसपास लूनी की बात करें, उस इलाकों में सर्च ऑपरेशन की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक उनसे कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी हैं, दूसरे विभाग के अधिकारी हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, हो सकता है कि कुछ देर में कोई बड़ा खुलासा भी हो और हो सकता है कि एनआईए को सूचना मिली हो, उस सूचना के आधार पर दबी सी गई। लेकिन जिस तरीके से पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू है वो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में है, इस में माना जा रहा है कि हो सकता है कोई बड़ी सूचना होगी, उसी आधार पर एनआईए की जो कार्रवाई है वो कुछ देर में सामने आ सकती है। जी राजीव जी, क्योंकि इस खबर के माध्यम से जो वाक्य निकल कर आ रहा है वो ये भी है कि एनआईए की टीम पहले भी जोधपुर में कार्रवाई कर चुकी है, तो अब तक की कार्रवाइयां किन किन प्रकरणों से जुड़ी रही है, क्या उससे भी जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है? राजीव जी, लेकिन निश्चित रूप से पिछली बार जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाई के लिए पिपाड़ में टीम पहुंची थी, मंडोर इलाके में पहुंची थी, मंडोर से एक आदमी को उठाया, पूछताछ की, बाद में उसको मंडोर थाने लेके आए, पूछताछ करके उसको छोड़ दिया, उसके बाद उसके पीछे टीमें लगी रही, हो सकता है उसमें कुछ टू हो। बाद में पिपाड़ से भी एक बंदे को उठाया, पिपाड़ थाने में उसको लेकर गए, पूछताछ की, फिर उसको छोड़ दिया, फिर बाद में पता लगा उसको जयपुर भी लेके गए, फिर छोड़ दिया। एनआईए की टीम का काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ऐसा पूछताछ करके छोड़ दे, फिर किस किस से कॉन्टेक्ट करता है उस तक किस तरीके से चीजें पहुंचती है। लेकिन उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई से जो जुड़ाव था उसकी बात थी। और देखिए कि अभी कुछ दिन पहले 200 अधिकारी सीबीआई के जोधपुर में थे और जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने यहाँ पर कोशिश की थी और 200 करोड़ का जो घोटाला, 200 करोड़ का जो घोटाला था उसे रिकवरी के लिए आई थी। बिल्कुल राजीव जी, और कार्रवाई गैंगस्टर से जुड़ी हुई भी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका राजीव जी साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और एनआईए की जोधपुर में कार्रवाई की सूचना, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 4 बजे से टीम ने सर्च अभियान चला रखा है और एनआईए की कार्रवाई करने का ढंग थोड़ा अलग होता है, जैसा कि बता रहे थे हमारे सहयोगी कि पहले भी एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर जब इस तरह के इनपुट नहीं मिले तो फिर छोड़ दिया गया था। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और तरीका अपना है कार्य करने का, लेकिन ये एजेंसी कई बड़े खुलासे कर चुकी है, महत्वपूर्ण खुलासे, खासतौर पर अगर देश में अमन चैन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात हो तो फिर काफी महत्वपूर्ण इनपुट इस एजेंसी के माध्यम से अब तक सामने आ पाए हैं। अब जोधपुर में कार्रवाई की सूचना है, हालांकि किस प्रकरण में कार्रवाई चल रही है, किनके ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है, क्या इनपुट मिला था, ये तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन बड़े ही गोपनीय ढंग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चर्चा हो रही है कि पहले पुलिस जाप्ता मांगा था और फिर अचानक इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई कि फिर जाप्ता लेने को ड्रॉप किया गया। क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह हो सकती है, क्या इसके पीछे भी कोई ना कोई संदेश छिपा है, ये साफ होना अब तक बाकी है। अधिकृत तौर पर अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्या ये गैंगस्टर और आतंकी गतिविधियों से जुड़ी कार्रवाई है या फिर अन्य प्रकरणों से जुड़ी है?